यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होंगे। दिल्ली के एम्स में सीएम योगी आदित्यनाथ के पिता का सोमवार सुबह लगभग 11:15 बजे निधन हो गया। उनकी तबीयत लंबे समय से खराब थी। 87 साल के आनंद सिंह बिष्ट यकृत की बीमारी से पीड़ित थे। उन्हें उत्तराखंड में ऋषिकेश स्थित एम्स से 13 मार्च को एम्स दिल्ली के गैस्ट्रो विभाग में भर्ती कराया गया था। मुख्यमंत्री के पिता को आहार नली में रुकावट संबंधी गंभीर परेशानी थी। अपने पिता के निधन पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने पत्र लेकर कहा कि पिताजी के अंतिम दर्शन की बहुत इच्छा थी, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। सीएम ने जो चिट्ठी लिखी है वो कुछ ऐसे है। अपने पूज्य पिताजी के कैलाशवासी होने का मुझे भारी दुख है। वो मेरे पूर्वाश्रम के जन्मदाता हैं। जीवन में ईमानदारी, कठोर परिश्रम और निस्वार्थ भाव से लोक मंगल के लिए समर्पित भाव से कार्य करने का संस्कार बचपन से ही उन्होंने मुझे दिया। अंतिम क्षणों में उनके दर्शन की हार्दिक इच्छा थी, परंतु वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के खिलाफ देश की लड़ाई को उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता के हित में आगे बढ़ाने के कर्तव्य बोध के कारण मैं न कर सका। कल 21 अप्रैल को अंतिम संस्कार के कार्यक्रम में लॉकडाउन की सफलता तथा महामारी कोरोना को परास्त करने की रणनीति के कारण भाग नहीं ले पा रहा हूँ। पूजनीय माँ, पूर्वाश्रम से जुड़े सभी सदस्यों से अपील है कि वो लॉकडाउन का पालन करते हुए कम से कम लोग अंतिम संस्कार के कार्यक्रम में रहें। पूज्य पिताजी की स्मृतियों को कोटि कोटि नमन करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। लॉकडाउन के बाद दर्शनार्थ आऊंगा। एम्स में इलाज के दौरान तबीयत में सुधार नहीं होने पर उन्हें 1 अप्रैल से वेंटिलेटर पर रखा गया था। कुछ दिन पहले किडनी सहित शरीर के अन्य अंगों के काम करना बंद करने के बाद से ही उनकी हालत नाजुक बनी हुई थी। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के पिता के एम्स में भर्ती होने की खबर सुनकर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को अस्पताल जाकर उनसे मुलाकात की थी। इसके अलावा पीएम नरेंद्र मोदी ने फोन से बात कर सीएम योगी से उनके पिता के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पिता का अंतिम संस्कार कल उत्तराखंड के यमकेश्वर के पैतृक गांव पंचूर में होगा। यूपी के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने बताया कि सीएम के पिता ने सोमवार को 10:44 पर अंतिम सांस ली। मुख्यमंत्री कोरोना वायरस संकट पर अधिकारियों के साथ बैठक में थे जब उन्हें पिता के निधन की सूचना मिली, लेकिन उन्होंने कोर टीम के अधिकारियों के साथ बैठक जारी रखी। आज सुबह 10 बजे से मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में COVID-19 के कोर ग्रुप के अधिकारियों की बैठक हो रही थी। उसी बीच उन्हें सूचना मिली कि उनके पिता का निधन हो गया है, लेकिन उसके बाद भी वो बैठक करते रहे और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश देने के बाद ही बैठक से उठे। बैठक में उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया कि कोटा से उत्तर प्रदेश लौटे सभी बच्चों को घर में पृथकवास में रखना सुनिश्चित कराया जाए। इसके साथ ही सभी बच्चों के मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कराने के बाद उनको घर भेजा जाए और कहा कि जिन मेडिकल कॉलेजों में परीक्षण लैब नहीं है वहां जांच लैब तत्काल स्थापित करने की व्यवस्था की जाए। पिता के निधन की सूचना के बाद भी मुख्यमंत्री करीब 45 मिनट तक बैठक में रहे। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल लोकमत न्यूज को सब्सक्राइब कर लें। काम की खबरें छूटेंगी नहीं।